नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बर्दांग सिक्किम। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार 3 आरोपियों को जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया। सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने 1 किलो ब्राउन शुगर के साथ नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने आरोपियों के नाम रैखुल निसा, मोहम्मद नूर आलम और मोहम्मद साहिन बताया है। आरोपियों में शामिल महिला रैखुल निशा सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 नंबर वार्ड स्थित ग्वाला पट्टी और नूर आलम आदर्श नगर इलाके का निवासी है। वहीं तीसरा मोहम्मद साहिन शहर के सटे माटीगरा प्रखंड के तुलसी नगर इलाके का निवासी बताया गया है। पुलिस ने इन 3 को जलपाई मोड़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी सफेद रंग की एक पिकअप वैन को भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार 3 आरोपी उत्तर दिनाजपुर से ब्राउन शुगर लेकर एक सफेद रंग की पिकअप वैन से सिलीगुड़ी पहुंचे थे। सिलीगुड़ी में ब्राउन शुगर को दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा महिला रैखुला और नूर और दूसरा हिस्सा माटीगरा इलाके में पहुंचाने की योजना थी। बरामद ब्राउन शुगर का मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের নতুন অনেক ভালো ভালো অফিসার এসেছে, তাদের উদ্যোগে তাদের ইনিশিয়েটিভে একটা কেস হয়েছে। সেটা হচ্ছে 25 তারিখে এই মাসে একটা খবর ছিল যে কিছু একটা বড় কনসাইনমেন্টের ব্রাউন সুগার আসছে। তো সেটা আমরা একটা খবর পাই যে মালদা সাইড থেকে শিলিগুড়ি এখানে আসছে, এখানে এসে তারপরে থ্রু ক্যারিয়ারের মাধ্যমে আসছে, এখান থেকে তারপরে লোকালি ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার কথা ছিল। তো ইনফরমেশনটা পাওয়ার পরে আমরা আমাদের পিসি পার্টির টিম, তারপরে আমাদের নতুন আইপিএস স্যার জয়েন করেছে সুবেন্দ্র কুমার, ওনার নেতৃত্বে এবং আইসি নেতৃত্বে একটা বড় টিম বের হয় এবং জলপাই মোড়ে এরা অ্যাম্বুশ করেছিল। এবং যখন গাড়িটা নাম্বারটা আমরা পাই, গাড়িটাকে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করে যখন সার্চ সিজার করা হয়, তখন দেখা যায় একটা প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ ছিল। প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে 2 কিলো মতো রসুনও ছিল। তো সেটাকে সার্চ করে দেখা যায় এই ব্রাউন সুগারটা 1 কেজি মতো পাওয়া যায়। সেটাকে আমরা সিজ করে উদ্ধার করে তারপরে মালদা মে পূজা ঘুমনে নিকলি ঘর সে দো বহনে হুই গায়ব, যাঁচ মে জুটি পুলিশ। विजयदशमी के दिन पूजा घूमने गई 2 बहनों के अचानक लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लापता किशोरी के परिवार वालों की ओर से इस संबंध में इंग्लिश बाजार थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इंग्लिश बाजार थाने के उत्तर बालूचर इलाके के निवासी संजीव रविदास की बेटी टुम्पा रविदास एवं गोविंदा चंद्र मंडल की बेटी निशा मंडल दशमी की रात पूजा घूमने निकली थी। ये दोनों आपस में चचेरी बहन लगती है। बताया जाता है कि दशमी की रात तकरीबन 8 बजे दोनों बहनें पूजा घूमने के लिए निकली थी। देर रात तक जब दोनों घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सोमवार सुबह तक जब दोनों का कोई अता पता नहीं चला तो मंगलवार दोपहर को इंग्लिश बाजार थाने में इस संबंध में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। परिवार वालों ने आशंका जताई कि दोनों बहनों को बाहर ले जाया गया है। इधर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने बताया कि पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी है। लापता युवती की तस्वीर आसपास के थाने में भेज दी गई है। इसके साथ ही इनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। कौन बोलो? बोले मन करे कोई कथा ही होइनी ओ बोले जे हमें घूमते जाबो घूमते जे छरा तगिरी होचे गिरीचे किंतु बाहर देखिन अपन गिरीचा होय तो बोले आत्ताई मत देखते बेराचे বলে আর কিছু বেলায় নেই। ওর বাবাকে বলছে যে দেখলাম মেয়েটা ঠাকুর দেখতে, ওর মা বাবাই জানে কী যায় পূজা শুরু করলাম 8টা থেকে, যে
দেখছি যে মেয়েটা গেল, মেয়েটা বলো যে ঠাকুর দেখতে যাবো। আমি বললাম তুই তো ঠাকুর দেখে আসবি, ফের কোথায় যাবি? ও বললো মা যাবো না, ফের পরে বেরিয়ে গেছে। घर के पीछे झाड़ी में शव पड़ा देखा परिवार वालों के उड़े होश, इलाके में दहशत। अपने ही घर के पीछे जंगल से व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना मंगलवार शाम चांचल के बारो गाछिया इलाके में हुई है। घटना को लेकर परिवार वाले सकते में हैं। पुलिस व परिवार सूत्रों से पता चला है कि मृत व्यक्ति का नाम गौतम शाह है। वो पेशे से मोटर पार्ट्स विक्रेता है। परिवार वालों ने बताया कि सिर्फ 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। बीते सोमवार से वो घर से लापता था। मृतक के बड़े भाई सुकुमार शाह ने बताया कि सोमवार को उसने घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी काफी खोजबीन की गई। आखिरकार मंगलवार को घर के पीछे जंगल में परिवार वालों ने उसका शव देखा। शव की हालत देख पुलिस व परिवार वालों का अनुमान है कि जहर पीने से मौत हुई है, लेकिन जहर पीने के कारण के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले की छानबीन শুরু কর দি হ্যাঁ বললো যে আমি বাড়ি থেকে হসপিটালের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি, তারপরে ও নিখোঁজ একবারে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পরশু দিন 26/10/2020 বারোগাছিয়া বিশ্বকর্মা মোটরের যে পাশে বাড়ির পেছনে জঙ্গলে পাওয়া যায় না। আত্মহত্যা পারিবারিক সেরকম কোনো অশান্তি ছিল কি থাকতে পারে? কারণ তো ও এখন মনের মধ্যে কি বেঁধে রেখেছিল জানি না, অভিমান সেটা ও কাউকে প্রকাশ করেনি, এইভাবে চলে গেল। बंगाल के घर घर में शुरू हुई लक्ष्मी पूजा की तैयारियां। दुर्गा पूजा के बाद अब लक्ष्मी मूर्ति बनाने में व्यस्त है मूर्तिकार। जलपाईगुड़ी के पालपाड़ा में मूर्तिकार इस समय सपरिवार लक्ष्मी मूर्ति बनाने में काफी व्यस्त हैं। छोटी छोटी लक्ष्मी मूर्तियां बनाकर इस उत्सव के मौसम में उन्हें बेचकर पूरे सीजन की कमाई करनी होती है। हालांकि सभी मूर्तिकार पूरे साल एक छोटी मोटी अन्य पूजाओं के लिए भी मूर्तियां बनाते रहते हैं, पर इस उत्सव के समय मोटी कमाई होती है। इसके लिए लगभग 1 महीने पहले से ही मूर्तिकार लक्ष्मी मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मूर्तिकार है जलपाईगुड़ी मेहित नगर इलाके के गौरीकुंड निवासी पॉली व परिमिता के बहुत छोटे से ही पिता प्राण गोपाल पाल को मूर्तियां बनाने में सहयोग करती आई है। पूरे साल अपने पिता के इस कार्य में वो सहयोग करती है। बेटियों के सहयोग से पिता प्राण गोपाल लक्ष्मी मूर्ति के साथ ही पट व सरा नामक अलग अलग तरह की लक्ष्मी मूर्तियां भी बनाते हैं। प्राण गोपाल ने बताया कि दोनों बेटियों के साथ ही पूरा परिवार मिलकर इस समय मूर्ति बनाने का काम करते हैं। मुख्यतः 1.5 से 2 फुट ऊंची मूर्तियां ज्यादा बिकती है। এইভাবে আর কি আমি আর আমার দুইটা মেয়ে কাজ করতেছি। মেয়েদের নাম, মেজো মেয়ের নাম হলো পারমিতা পাল, ছোট মেয়ের নাম হলো পলি পাল। আবার আকাশ তো মোটামুটি বেশ এবার ভালোই দিল, তো এই মাঝখানেই যে বৃষ্টি দিছিল ওই বৃষ্টিতেই ঠিক ঠাকুর বানাইতে পারি নাই। এই তারপরে ওয়েদার ঠিক দিল পর মোটামুটি বানাইছি। এই মোটামুটি ধরেন কত হবে, 200 মতন ছোট। না না না, এই আমরা বাড়ি থেকেই পাইকারি দিয়ে তো দুই একটা আসলে পরে ওইটা বাড়ি থেকে দিতে হয়, কারণ ওগুলা বান্দা কাস্টমার তো ওদের না দিলে। ওই তো পাইকারি আলারা নিচ্ছে, কম কম নিচ্ছে, প্রত্যেক বছর যে হারে নেয় এই বছর ওই হারে নিচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে যে এখন করোনার জন্য পূজা করবে কি না লোকে, ওই জন্য ভয়ে কম কম নিচ্ছে। मालदा में लापता होने के 48 घंटे बाद नाबालिग बच्ची का शतविशत शव बरामद। दुर्गा पूजा के दौरान लापता हुई 7 वर्षीय बच्ची का शतविशत शव घटना के 48 घंटे बाद मालदा महानंदा नदी के किनारे पाया गया। नाबालिग की रहस्यमय मौत को लेकर इंग्लिश बाजार थाना के उत्तर बालचूर इलाके में हड़कंप मच गया है। नाबालिका का नाम झिलिक बसाक बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आलोक रजोड़िया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्ची की मौत कैसे हुई इसकी छानबीन की जा रही है। मृत नाबालिका के परिवार सूत्रों से पता चला है कि शनिवार दोपहर से बच्ची इलाके से लापता है। शाम के बाद इंग्लिश बाजार थाने में बच्ची की दादी नमित बसाक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आखिरकार बच्ची का शतविशत शव महानंदा नदी के किनारे से बरामद हुआ। खबर पाकर नाबालिग के परिवार के साथ जिला युवा तृणमूल कांग्रेस
तथा वार्ड कोऑर्डिनेटर प्रसन्नजीत दास ने मुलाकात कर परिवार को सांत्वना दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाबालिका के शरीर पर कई घाव के निशान पाए गए हैं। फिलहाल मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है। पुलिस से उन्होंने अनुरोध किया है कि रहस्य का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए व अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। বাচ্চাটা ঠাকুমা আমাকে বলছে যে তোমরা ওই রকম বাচ্চা রেখেছো কেন এখানে, ওর মা চলে গেছে, তোর মায়ের কাছে গিয়ে আসতে পারছো না। আমরা বললাম আমরা ওই বাচ্চা তোমাদের এখানে জন্ম হতো, আমাদের কাছেই থাকে, আমরা মানুষ করেছি। বলছে যদি ওর মায়ের কাছে না দিয়ে আসো তাহলে এই বাচ্চার ব্যবস্থা আমরা নিয়ে নেব। কী করলো তারপরে? ষষ্ঠীর দিন বললো, সপ্তমী থাকলো, অষ্টমীর দিন বাচ্চা দুপুরবেলা বেরোলো যে আর বাড়িতে ফিরলো না বাচ্চা। আমরা 3 দিন ধরে খোঁজাখুঁজি করছি, ছবি ছড়িয়ে দিলাম, ফেসবুকে ছড়িয়েছি, পাইনি। তারপরে কালকে সকালবেলার দিকে দেখছি নদীর ধারে ড্রেনের মধ্যে বাচ্চাটা পড়ে আছে। কী অবস্থা ছিল পরে? কী অবস্থা ছিল বাচ্চাটা? একটা চোখ উঠানো হয়েছে, ঠোঁট কাটা হয়েছে, আঙুলগুলো বোধহয় কাটা ঢালা হয়েছে, কাছে ঢালা হয়েছে, নাক কাটা। কী নাম বাচ্চা? ঝিলিক বসা। কে হয় আপনার? আমার পত্নী আর ছেলের মেয়ে। কিন্তু আমরা চাইছি আমার বাচ্চাকে যে ওই রকম করেছে, আমরা কিন্তু ওর ফাঁসি চাই, এমনি শাস্তি নেব না, আমরা ফাঁসি চাই। আমার বাচ্চাকে যে অবস্থায় মেরে ফেলেছে আমরা তার ফাঁসি নেব। শুনলাম অষ্টমীর দুপুরবেলা মেয়ে গেছিল খেলতে, তো খেলতে আড়াইটা 3টার সময় বেরিয়েছিল, বললো পিসির বাড়ি যাবো, আমি ওর পিসি হলাম। তো আমরা ছিলাম না, আমাদের বাড়ি ডুবে গেছে যেহেতু বন্যা, তো আমরা তিরপালের তলা আছি ছিলাম না আমরা সেদিনকে। তো আমাদের বাড়ি থেকে দু তিনবার ওখান থেকে মানে যাওয়া আসা করেছে, খুঁজে আমাদেরকে দেখতে পায়নি। তো ওরা আমার বড় মারা ভাবছে যে ওরা আমাদের বাড়িতে আছে, আমরা ভাবছি যে ওদের বাড়িতে আছে। 5টার সময় আমরা খোঁজ পাই মেয়ে নাই, তো 5টা থেকে খোঁজ করা শুরু করি, দেখছি মেয়েকে আর পাওয়া যায় না। 2 দিন গেল, 3 দিনের বদলে দেখছি আমরা ঘাটে মেয়ের লাশ পেলাম, গোটা গায়ে ফোসা, একলাতে কাটা, আর হচ্ছে ঠোঁট কাটা, এই আঙুলটা কাটা, এরকম আমরা মেয়েদেরকে দেখতে পেয়েছি মেয়েটাকে। भारत में नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 30 नवंबर तक बंद, कुछ फ्लाइट्स को मिली हुई है मंजूरी। देश में नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल 30 नवंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों के निलंबन को 30 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान और विशेष विमानों समेत वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाले विमानों का संचालन जारी रहेगा। भारतीय विमानन नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चुनिंदा मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से भारत के नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्नीचर तथा फर्नीचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैं सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्नीचर मॉड्युलर किचन, UPUC डोर र विन्डो आदि को पनि डिल गर्दछौ। साथै यस चाडपर्व को छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 0359223250। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अप्लाई फॉर 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस? दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग
पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778788 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्रीश्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्रीश्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिले सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता, विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। पहाड़ पर ठंड के मौसम में बढ़ने लगा है सियासी पारा, क्योंकि दार्जिलिंग की धरती पर कदम रखने वाले हैं विमल गुरुंग। ठंड के मौसम में भी राजनीतिक तलखी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि विमल गुरुंग के 3 साल पहले भूमिगत होने के बाद विनय गुट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहाड़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। विमल गुरुंग के वापसी के बाद पहाड़ पर 2 गुट बन गए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का 1 गुट विमल गुरुंग का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ विनय तामंग गुट विमल गुरुंग का विरोध कर रहा है। इसको लेकर पहाड़ पर पोस्टरिंग और जमकर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के मौसम में इसी समर्थन और विरोध की राजनीति ने पहाड़ पर ठंडी को गर्मी से भर दिया है। और आज पहाड़ की शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विनय तामंग शिविर के युवा मोर्चा कमेटी की तरफ से कालिम्पोंग के मेला ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न जगहों की परिक्रमा की, साथ ही इसमें जमकर विमल गुरुंग के विरोध में नारेबाजी भी की गई। रायगंज के खदीमपुर में दशमी के दिन से शुरू होती है दुर्गा पूजा। बलाई चंडी के रूप में की जाती है मां दुर्गा की उपासना। एक तरफ जहां दशमी के मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा का समापन होता है, तो दूसरी तरफ उत्तर दिनाजपुर के रायगंज शहर के खदीमपुर गांव में दूसरी ही दृश्य देखने को मिल रही है। यहां दशमी के दिन से दुर्गा पूजा शुरू होती है। इस दौरान गाँव के 80 परिवार दुर्गा पूजा के रंग में रंग जाते हैं। पूजा के 4 दिन मेला भी लगता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण मेला नहीं लगेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। रायगंज थाना के 14 नंबर कमलाबाड़ी ग्राम पंचायत के खदीमपुर गांव में लोग दुर्गा पूजा के उल्लास में डूबे हुए हैं। यहां देवी दुर्गा की बलाई चंडी के रूप में उपासना की जाती है। यहां देवी 10 भुजाओं के स्थान पर 4 भुजाओं वाली होती है। चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद उनके पैरों तले महिषासुर नहीं होता है। हालांकि अन्य पूजा पंडालों की तरह यहां भी कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा है। खदीमपुर के रहने वाले और दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य सुरेंद्रनाथ बर्मन ने बताया कि यहां पूजा कितने वर्ष पुरानी है किसी को नहीं पता। अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि यह पूजा आज़ादी के बाद से ही हो रही है।
दशमी से यहाँ बलाई चंडी माँ की पूजा शुरू होती है। दशमी से शुरू यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान गांव के सभी लोग शाकाहारी भोजन खाते हैं। यह पूजा ही गांव के लोगों की असली पूजा है। बलाई चंडी माँ की पूजा को जागृत मानकर काफी दूर दराज से लोग यहाँ माँ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। नाम हदल वर्मन। ये आपने कौन क्लब उद्योग है पूजा का बच्चे? ये तो हमारे बारवाड़ी खादिमपुर ये तो क्लब क्लब ना। কতদিন ধরে এই পূজা হচ্ছে? এটা আমাদের তিন পুরুষের আমি বলতে পারবো না, আরও যে কয় পুরুষে গেছে আমি তিন পুরুষ থেকে দেখে আসতেছি, আমি আমাদের বাবা মা বলতে পারবে না। এই যে এইখানকার পুজোর হ্যাঁ একটা আলাদা নিয়ম আছে, হ্যাঁ যে দশমীর দিন এখানে পুজো শুরু হয়। হ্যাঁ দশমীর এই সময় পূজা হয়। কতদিন ধরে চলে এই পুজো? এই আমাদের দশমীতে পূজা হয়, আজকে দ্বাদশীতে একাদশীতে মানে বন্ধ থাকে আর কি, তারপর দিন মেলা হয়। আর হবে না, প্রতি বছর এখানে বলি হয়। বলি কি এবারও হয়েছে? হ্যাঁ বলি হয়েছে, 20টা না 25টা বলি হয়েছে। 36টা কত মানুষ সামিল হয় পুজোতে আপনাদের? আমাদের এখানটা তো মিনিমাম 4-5 বিঘা এরিয়া। কত মানুষ আসে পূজার মধ্যে? 5,000 লোক। না না প্রত্যেকে না, আমাদের এখানে বারোয়াড়ি গ্রাম খাদিমপুর মজা এলাকায়। তাছাড়া আদাস আদাস বাইরে না। बिहार चुनाव में पीएम का विपक्षी पार्टियों पर प्रहार जारी। मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताया, बोले कुशासन लाने वाले फिर मौके की तलाश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सबसे पहले बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों का मंत्र था पैसा हजम परियोजना खत्म, बिहार में जंगल राज लाने वालों को फिर हराएंगे। इसके बाद मुजफ्फरपुर की सभा में तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज की युवराज को बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जनता इनसे और क्या अपेक्षा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों का मंत्र था पैसा हजम परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कोसी सेतु के साथ क्या हुआ मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। केंद्र में एनडीए के सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी का सहयोग मिलने के कारण इस सेतु का निर्माण पूरा हो पाया। इसे 300 किलोमीटर की दूरी 20 से 22 किलोमीटर में सिमट गई। बिहार में लोगों को ऐसी ही विकास के कार्यों को वोट करना है। नदी में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार की 2 बच्चियों की डूबने से मौत। 1 घंटे तक नदी में तलाशी के बाद मिला 15 व 8 वर्षीय बच्चियों का शव। दुर्गा पूजा में दीदी के घर घूमने गई 2 छोटी बहनें नदी में स्नान करने के दौरान डूब गई। बुधवार दोपहर को यह घटना मालदा के बामनगोला थाना के चंद्रपुर ग्राम पंचायत के हंस पुकुर गांव की है। लगभग 1 घंटे की तलाशी के बाद नदी से दोनों का शव स्थानीय लोगों ने निकाला। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि दोनों बहनें परोमिता मंडल 10वीं कक्षा की छात्रा थी, वहीं अंकिता मंडल 3री कक्षा की छात्रा थी। पिता रुईदास मंडल पेशे से दिहाड़ी मजदूर है। वो बामनगोला ब्लॉक के चांदपुर गांव पंचायत के नंदनादा इलाके का निवासी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की छानबीन कर रही है। और इधर पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। আজকে নদীতে স্নান করতে গেছে, তারপরে যে বাড়তি কেছিল না তো কিছু হয়েছে, মাঠে গেছে সবাই। আর এবারে ওই যে নদীতে নামছিল স্নান করতে, তো তখন এখানে মাছ ধরতেছিল জেলেরা। ওরা বললো যে স্নান করছে, ওরা বাড়িতে গেছে কিনা যখন জিজ্ঞেস করছে বলছে না বাড়িতে তো যায়নি। তারপরে সবাইকে ডেকে করে খোঁজাখুঁজি করে ওঠানো হলো, আধা ঘন্টা 40 মিনিট পরে ওঠানো হয়। কোন নদীতে তলিয়ে গেছিল? হারিয়ে নদী। আচ্ছা কোথায় এটা? দোয়াশ জলে। দুই
जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा का चंदा एकत्रित कर जरूरतमंदों में बांटे गए नए वस्त्र। जलपाईगुड़ी शहर के कदमतला के शियलपारा स्थित अत्री आवासन के आवासियों ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के जरूरतमंद लोगों की खूब मदद की। समय समय पर उन्हें भोजन सामग्री के साथ ही अन्य जरूरत की चीजें मुहैया करवाया। एक बार फिर इस आवासन के आवासियों ने सर्दी शुरू होने से पहले ही जरूरतमंद लोगों में साड़ी व कंबल बांटकर उन्हें कुछ हद तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है। इस साल कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से हर क्षेत्र के लोगों के रोजगार पर असर हुआ है। महामान्य अदालत के आदेश से इस साल दुर्गा पूजा भी बिल्कुल सादे तरीके से मनाया गया है। घर घर से चंदा भी नहीं लिया गया है। अत्री आवासन के आवासियों ने दुर्गा पूजा के चंदा का सदुपयोग करते हुए इस पैसे से आवासन के इलाके के जरूरतमंद लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। 50 जन मानुष के देबो, तार मध्ये कम्बल आछे, शाड़ी आछे एवं बिछानार बड़ चादर आछे। এটা কি মানে লক্ষ্মী পুজো বা কালী পুজো উপলক্ষে? লক্ষ্মী পুজো কালী পুজো উপলক্ষে না, আমরা পুজোর মধ্যে দেবো ঠিক করেছিলাম। এর আগে একদিন ঠিক করলাম, সেদিন প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল পুজোর মধ্যে, সেই জন্য পুজোর আগে কালী পুজোর আগে যাতে ওর হাতে পায় সেই চেষ্টাই করছি। আমাদের দিতে পারে প্রচন্ড প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছে, কারণ কি আমরা নিজেরা কিছু কিনিনি কিন্তু ওদের তো কিছু দিতে পারছি, এখানে প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছে আমাদের। আজকে লিয়ে বাস ইতনা হি, অর খবরো কে লিয়ে দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।